भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 6 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला आज सेंचुरियन में खेला जाने वाला है, जिसके लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है। और इसके बाद अब 3 T20 मैचों की सीरीज भी शुरू होने वाली है और पहला मुकाबला जो कि जोहान्सबर्ग के वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाने वाला है और उसके लिए सुरेश रैना को भी वापसी हुई है और उन्हें एक बार फिर वापसी करने का मौका मिला है। इसी बीच सुरेश रैना ने अपने आज तक के साथ एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि जब उन्हें अच्छी फॉर्म के बाद भी उन्हें टीम से बाहर निकाला गया था तो बहुत बुरा लगा था, क्योंकि मैं एक अच्छी फॉर्म में था फिर भी मुझे टीम से निकाला गया और अब लगभग एक साल बाद वापसी हुई है। मैंने यो-यो टेस्ट भी पास कर दिया और अब मुझे अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 मैचों के लिए वापस जगह मिली है तो मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा सुरेश रैना ने कहा है कि मुझे भारतीय टीम के लिए इतना ही नहीं बल्कि काफी लंबे समय तक क्रिकेट खेलना है और मुझ में क्रिकेट अभी भी बहुत बाकी है। साथ ही मैंने इंग्लैंड की पिचों पर बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है और मैं इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले आगामी विश्व कप में खेल लाना चाहता हूं। इसके लिए मैं अच्छा क्रिकेट खेलने की हर कोशिश करूंगा। मुझे इस दौरे में अफ्रीका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने पर पूरा भरोसा है। राइट दोईबलेकुरो ताताई उन मारक। गौरतलब हो कि सुरेश रैना ने अभी तक भारतीय टीम के लिए 223 वनडे मैच खेले हैं, जबकि 63 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेले हैं, जिसमें इन्होंने T20 में 1300 रन बनाए हैं और वनडे क्रिकेट में 5568 रन बनाए हैं और अभी इनकी वापसी हुई है और इनसे अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद है। इसी बीच आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला T20 मैच 18 फरवरी को जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा और आखिरी T20 मैच 24 फरवरी को केपटाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा।